सोशल मीडिया पर छाया सोनू सूद का वीडियो, चल रही ट्रेन में सफर का मजा लेना सोनू सूद को पड़ा भारी। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर सुनाई खरी खोटी। क्या है सोनू सूद को लेकर ये बड़ी खबर, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड और साउथ के एक्टर सोनू सूद, जो कि अपनी फिल्मों से ज्यादा दरिया दिली के लिए पहचाने जाते हैं, कोरोना संकट के दौरान सैकड़ों माइग्रेंट्स की मदद कर सोनू सूद सोशल मीडिया पर रियल हीरो बन गए थे। ये तो हर कोई जानता ही है, मुश्किल घड़ी में सोनू सूद बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान जरूरतमंदों की काफी मदद की थी। लेकिन इस वक्त सोनू सूद अपने एक लेटेस्ट वीडियो के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। जी हाँ, ट्विटर पर एक्टर ने एक अपना लेटेस्ट वीडियो शेयर किया। इस वीडियो पर फैंस के साथ साथ मुंबई रेलवे पुलिस भी नाराज है। इस वीडियो में सोनू सूद चलती ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दरवाजे के पास बैठकर बाहर का नजारे का मजा लेना सोनू सूद को भारी पड़ गया है। एक यूजर ने लिखा, देश भर में कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल होने के नाते आपको ऐसे वीडियो पोस्ट या प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। अगर आपके फैंस किसी चलती ट्रेन के ओपन गेट पर बैठकर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे तो इससे उनकी जान गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। एक अन्य ने कहा, गलत नहीं हूँ तो बेहद असुरक्षित और रेलवे द्वारा प्रतिबंधित। मशहूर होने के नाते आपको इस तरह के बेतुके काम करने से बचना चाहिए। भारत में जीवन सिगरेट से सस्ता है और युवा आप जैसे लोगों के लिए पागल है, इसलिए दुर्भाग्य ये है कि जिम्मेदारी से काम ले, आपको धन्यवाद। वही वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद जीआरपी मुंबई ने रिएक्शन दिया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, सोनू सूद फुटबोर्ड पर यात्रा करना फिल्मों में मनोरंजन का स्रोत हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। आइए सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर सुनिश्चित करें। सोनू सूद के इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।